हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो और इस वीडियो में जो है ना, खास करके हम देखने वाले क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का महत्तम निकाले, यानी कि दो बातें हम देखने वाले। एक तो यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, दूसरी बात हमको देखना है उसकी सहायता से हमको महत्तम समापवर्तक कैसे निकालने। और ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है हमारे एग्जाम में, 10th का जो बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो के बाद इतनी बात की गारंटी है कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो छूट के नहीं जाएगा। और क्वेश्चन भी यही सारे पूछा गया क्वेश्चन ही है, एक तरफ से देख लो 10-25 इसको छोड़ दो, हमने सिंपल सा उदाहरण लिया है। देन ये जो सारा क्वेश्चन है ना, ये पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 19 में पूछा है, 19 में पूछा है। तो हमारा क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर देखो, कितना भी कमज़ोर बच्चा हो ना, इस वीडियो के बाद अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन जो है ना, दो नंबर तो हमारा कहीं नहीं जाने वाला है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ दो नंबर हमारा आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं, क्या है और ज़रा समझें। देखो हमारे पास दो नंबर्स हैं, 10 और 25। अगर हम 25 में 10 से भाग दें, अभी हम बात करेंगे कैसे करेंगे, पहले ये भाग दे लो। 25 में यदि 10 से भाग दे तो दो बार में हमारा भाग लग जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ख़त्म। कहने का मतलब क्या है, अब हमको ये बात पता है, ये बात हमको पता है जो इसके बीच में होता है, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, यहाँ पर होता है हमारा भागफल, और ये होता है हमारा यहाँ पर शेष, ठीक है जी, ये हमको पता है। तो अभी एक बात बताना है ज़रा, हमारा भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा हमारा यहाँ से 10, ये हो जाएगा भाजक बराबर 10, भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा 25, भागफल बराबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, और शेष हो जाएगा हमारा यहाँ से 5। इतनी बातें समझ में आ गई, देखो यही बात समझना है, यही बात से समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या है, और इसी से हमारा मौसम बोल रहे महत्तम समापवर्तक भी निकलने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम भाजक को ए मान ले, भाजक को बी माने, भागफल को क्यू माने और इसको आर माने, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से देखो B का मान कितना हो जाएगा, B का मान 10 हो जाएगा, A का मान यहाँ से हमारे पास 25 हो जाएगा, Q का मान यहाँ से हमारे पास 2 हो जाएगा एंड R का मान यहाँ से हमारे पास 5 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, चलो समझ में आ गया। तो यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या है या एल्गोरिथम क्या है, ये बताता है हमको भाज्य बराबर, जो हमने पढ़ा है पीछे क्लासों में, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये हमारा जो है यूक्लिड का विभाजन लेमा बोल लो, एल्गोरिथम बोल लो, जो भी बोल लो ये। अच्छा, लेमा और एल्गोरिथम में थोड़ा सा अंतर है, तो ये हमारा यूक्लिड का विभाजन लेमा है। कैसे, हमने क्या कहा कि अगर भाज्य को ए माने तो यहाँ से ए मान लो, भाजक को बी मानो तो यहाँ से बी मान लो, एंड देन भागफल को क्यू मानो तो क्यू मान लो, प्लस शेषफल को आर मानो तो आर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है जी, ये हमारा निकल के आ गया। जहाँ आर का मान जो होगा, यानी कि शेषफल का मान जो होगा वो जीरो से क्या होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, और भाजक से छोटा होगा, क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। अब ये बातें समझ में आ गई, अब ऊपर देख लेंगे हम इस वाले में भाजक का मान क्या है। अगर अगर यहाँ पर हम भाग कर दिए हैं, यहाँ पर हम भाग कर दिए हैं, और भाग करने के बाद ये सारा कुछ लिख दिए हैं, समझने के लिए समझ में आ गया है। अगर इसको हम इस पैटर्न पर बैठा लें a बराबर बी क्यू प्लस आर पर, तो कैसे बैठाएंगे, देखो यहाँ से, यहाँ से a का मान क्या है 25, तो a का मान लिख देंगे 25 बराबर, b का मान कितना है 10 है, 10 लिख लेंगे, q का मान कितना है 2 है, 2 लिख लेंगे, R का मान कितना है 5 है, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं, 0 इज ग्रेटर देन और लेस टू R, और देन B का मान कितना है यहाँ पर
दो है, ये यहां से लिखा जा सकता है। तो अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, हम यूक्लिड के विभाजन लेमा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये यूक्लिड का विभाजन लेमा ही हमें बताता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है, यही बता देता है हमको। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ये लिए हम 10 और 25, एक और उदाहरण लेंगे ताकि बातें यहाँ से क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि हमारे पास 27 है, इसमें हमको 4 से भाग देना है, तो ये होगा 4 × 6 = 24, 7 में से 4 = 3, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने क्या कहा, ये वाला जो है बी है मतलब भाजक है, ये वाला क्यू है मतलब हमारा भागफल है, ये वाला शेष है मतलब हमारा आर है, और ये वाला ए है मतलब हमारा भाज्य है, ठीक है। हम लिखते क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम ए का मान देखें 27 है, बी का मान देखें यहाँ पर 4 है, क्यू का मान देखेंगे यहाँ पर तो क्यू का मान 6 है, प्लस आर का मान देखेंगे तो 3। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब यूक्लिड की विभाजन लेमा समझ में आ गया हो तो हम देख लेते हैं इसकी सहायता से हम एच सी एफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आ जाओ, इसको मिटा देते हैं, इधर वाले को रहने देते हैं ताकि बातें समझ में आ जाए। तो हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है 10 और 25, ठीक है। तो पहले समझो, क्वेश्चन नंबर एक है हमारा 10 और 25, इसका एच सी एफ निकालना है यूक्लिड के विभाजन लेमा के अनुसार। तो पहले को अपने करना क्या है, पहले करना है कि पहले तो ये डिसाइड कर लो भाई दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों में हमारा बड़ा कौन है, 25 बड़ा है ना, तो 25 में अपने को करना है 10 से डिवाइड, ठीक है। 25 में क्या करना है, अपने को 10 से भाग देना है, तो 10 से भाग हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से आ रहा है, 25 में 10 से भाग दे रहे, 2 भागफल आ रहा है, 5 शेष आ रहा है। समझ में आ गया, बातें समझ में आ गया, या इधर थोड़ा सा वो हो गया हो ना, आज तो इधर ही कर लेते हैं। 25 में हमने डिवाइड किया कितना से, 10 से, 10 × 20, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5, और ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो पहले स्टेप के लिए यहाँ पर हमारे पास शेष निकल के आ रहा है, 5 शेष आ रहा है ना, 5 शेष आ रहा है। पहले स्टेप में हमारा क्या है, ये भाजक है, क्या है, भाजक है, और ये जो 5 है वो क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि शेष है। ये हमारा भाजक है और ये शेष है, ठीक है। अगर शेष बच रहा है भाग देने के बाद, दो संख्या है, अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं पहले स्टेप में, उसके बाद हमको शेष आ रहा है, तो शेष को बना देना है हमको भाजक, शेष को हमको बना देना है भाजक। इसमें हमने 5 को भाजक बना दिया, जो भाजक है उसको बना देना है भागफल, ये भाज्य बना देना है। भाजक कितना है, 10 है, इसको हमने भाज्य बना दिया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 10 भाग दे दो, तो शेष कितना आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है। अगर नहीं कटे तो फिर यही वाला प्रोसेस क्या करेंगे, हम करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखो, ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है। ये पहले स्टेप के लिए, ये जो है ना हमारा पहले स्टेप के लिए, और ये है हमारा दूसरा स्टेप। कैसे, देखो, लिखेंगे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो यहाँ पर हमने ए का मान क्या बताया, 25, सिंपली रख देना है। बी का मान क्या है हमारा, बी का मान देखो 10 है, और गुने क्यू का मान क्या है, 2 है, और आर का मान निकल रहा है हमारा कितना, 5, आर का मान निकल रहा है 5, ठीक है जी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि यहाँ पर शेष निकल के आ रहा है 5, क्या निकल के आ रहा है, शेष निकल के आ रहा है 5। तो सेकेंड स्टेप में करते क्या है, जो भी हमारा भाजक है उसको भाज्य बना देते हैं। तो भाज्य बना दो, इसको भाज्य बनाया हमने 10 बराबर,
ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा ये है। और शेष से जो भी शेष बच रहा है उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाजक पहले जो पहला स्टेप है उसमें भाजक था 10, तो उसको भाज्य बना दिए और इसमें भाग दे रहे हैं इसके शेष से, तो 5 से हम यहाँ पर भाग देंगे। तो अब इसको अगर हम यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पर रखें तो क्या निकल के आएगा, 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ पर इस स्टेप में शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 0। जब 0 आ जाएगा शेष, तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन क्या करना है, बंद कर देना है। कैलकुलेशन बंद कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास भाजक लास्ट स्टेप में बचता है, जो कि भाजक क्या है हमारा 5 है, तो लास्ट स्टेप का भाजक कितना बच रहा है हमको, 5 बच रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10-25 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऐसे नहीं लिख सकते ना, लिख भी लेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा हमारा। देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है ना, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, 10 क्वेश्चन है, देखो 10 क्वेश्चन है ना। देखो कुछ भी करने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना कोई बचपन से सीख करके आता है, तो किसी भी बात को समझने के लिए थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा समस्याओं के साथ, देन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सारी बातें जो है ऐसे बैठे हुए हमारे दिमाग में आएगा और आ जाएगा, एकदम से जो है हम विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चंस बनेंगे, अगर मैथ कमज़ोर है तो भी, है ना, समझ में आएगा। मैथ का सिंपल सा फंडा क्या है, मैथ सीखने का सिंपल, जिसका भी मैथ कमज़ोर है, जिनका भी मैथ कमज़ोर है, सीखने का सिंपल सा फंडा क्या है, प्रैक्टिस, है ना। अब मैथ में समस्या इसलिए भी होता है कि कुछ बच्चे जो है पीछे क्लास में नहीं पढ़े होते हैं, तो उसका उनका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है। अब ये सही कैसे होगा, तो धीरे धीरे देखो मैथ पर अगर हम ध्यान देना शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ के अंदर, उतना ज़्यादा हमारे लिए जो क्वेश्चंस हैं ना वो आसान होता चला जाएगा। इसलिए टोटल 10 क्वेश्चन को देखना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ के चले जाओ, 10 क्वेश्चन को देखना है। देखो उसके बाद ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, जाएगा तो पकड़ के ले आएंगे नंबर को, ठीक है जी। चलो जी आगे देखें। अब तो पहला नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हमारे पास है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है 867 देन 255, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 एनुअल एग्जाम में, फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग दोनों में से किसी में पूछा होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, बेहद ही आसान बात है। यहाँ पर हमको देखना है कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो बड़ा तो हमारा हो गया 867, ये बड़ा हो गया, तो 867 में क्या करना है अपने को, पहले तो इधर आ जाओ, 867 में डिवाइड करना है हमको किससे, 255 से। कितना बार में लगा ले, 3 बार में लगा सकते हैं, है ना, 3 बार में लगा सकते हैं, चलो जी 3 बार में लगा लेंगे। तो 5 × 15 का 5 हासिल 1, 5 × 15 16 का 6 हासिल 1, 3 × 6 = 1 7, 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 1, ये हो गया हमारा 102। अब हमने क्या कहा था, देखो हमारा शेष बच रहा है 102, मतलब शेष आ रहा है ना, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा हम लोग बैठा ले रहे हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते क्या जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और ये हाँ बी है, और ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। लिखते क्या चीज़ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसको लिखे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का मान 867 है बराबर, बी का मान क्या है 3 है, क्यू का मान, बी का मान 255 है ना, और क्यू का मान 3 है, देन आर का मान है हमारे पास 102। अब देखो हमने क्या कहा कि यहाँ पर शेष बच रहा है, शेष बच रहा है ना, अगर शेष बच रहा है तो शेष को बनाओ क्या चीज़, शेष को बनाओ भाजक, और जो पहले स्टेप में हमारा जो भाजक था उसको बनाओ भाज्य, ये 255 आ जाएगा, भाज्य बना दिया हमने। अब कितना बार में लगा सकते हैं जी, 102 दूना 204 ऐसा कर सकते हैं, 5 में से 4 1 5 ये कट जाएगा 51, अभी भी देखो शेष आ रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या कर ले, लिख लेते हैं, देन हमारा ये भी हो जाएगा बी ए
क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान है 255, देन हमारे पास है बी का मान क्या है, बी का मान है 102, यहाँ से गुना कर लेंगे, क्यू का मान है हमारे पास 2 प्लस आर का मान है 51। देखो अभी भी शेष बच रहा है ना, अभी भी शेष बच रहा है, इसका मतलब फिर से क्या करना है, आर जो सबसे नीचे में है ना उसको भाजक बना देना है, क्या बना देना है, भाजक बना देना है, और जो ऊपर में भाजक है ना उसको क्या करना है, भाज्य में कन्वर्ट कर देना है, ये 102 हो गया। 51 दूना 102, शेष बच गया हमारा 0, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलो जी, भाजक हमारा एक्स, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, ठीक है। इसको लिख लो 102, ठीक है, बराबर में हमारा हो जाएगा बी क्यू, मतलब 51 इंटू क्यू का मान 2 है प्लस आर निकल रहा है 0। अब लास्ट स्टेप में देखो, लास्ट वाले स्टेप में हमारा जो है क्या है, यानी कि भाजक कितना है, तो भाजक लास्ट वाले स्टेप में कितना है, 51 है, तो हम लिखेंगे अतः कितना है हमारा 867 और 255 55 का HCF यानी महत्तम सामवर्तक कितना है, 51 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बेहद इजी तरीकों में इसको कर पाए हैं, कोई समस्या नहीं, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1651 और 2032, ये हमारे पास 1651 और 2032, इसको करना है सॉल्व, कैसे कर सकते हैं बबुआ, आ जाओ जी, ठीक है, कितना में हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा वैसा इसमें छोटा कोण बड़ा कोण, तो बड़ा 232 है, तो 232 में 1651 से अपने को डिवाइड करना है, भाग करना है, 232 में 1651 से भाग देना है, कितना बार में लगेगा बता दो जरा, दो बार में तो लगेगा नहीं, 3200 हो जाएगा, एक ही बार में लगेगा यहाँ पर 1651, दो में से एक एक, 13 में से 5 अगर घटाते हैं तो 8 हो जाएगा, और इधर बचेगा 9 में से 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा सिंपली। अब जो ये लिखे हैं ना, देखो ये बराबर, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये हमारा आर है, इसको हम कर लेते हैं यूक्लिड के विभाजन लेमा पर या एल्गोरिथम पर फिट, लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेंगे, क्या होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है, ठीक है, जहाँ ये भी लिख ही सकते हैं हम, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब a का मान देखो यहाँ पर कितना है, 2032, तो लिखो 2032 बराबर, बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है 1651, कितना बार में हमने भाग लगाया, क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान अभी भी आ रहा है 381, ये आ गया। चलो जी, हमने क्या कहा, जो शेष बच रहा है वो भाजक बन जाएगा, तो 381 यहीं से लपेट लो, ठीक है, जो पहले स्टेप में भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, तो 1651 को 381 ऐसे दिखाता है क्या, 1651 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ, चलो ये हमारा कितना बार में लग जाएगा देखो जरा, 5 बार में तो लगेगा नहीं, 381 चौका देख लो, 381 4 बार में लगाएंगे, 4 और चौक 32 को 2 3 4 तीन 3 15 1524 हो रहा है हमारा, तो ये 4 बार में लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1524, 11 में से 4 ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6 में से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ क्या रहा है,
ए का मान आ रहा है 1651, बी का मान आ रहा है हमारे पास 381, और क्यू का मान है 4 और आर का मान है 27। फिर से हम यही जो पहले स्टेप में रिपीट किए थे रिपीट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ए का मान है 1651 बराबर बी का मान है 381 गुने, हमने 4 बार लगाया है क्यू का मान 4 प्लस आर का मान यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप में क्या है, 127 है ना जी, 127 लिखो, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, 127। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट स्टेप में हमारा जो शेष है वो कितना है, 127 है, 127 को हमने यहाँ पकड़ा। देन जो इससे पहले वाले स्टेप में जो हमारा भाजक था उसको भाज्य बना लो, 381 कितना बार में लग जाएगी, ये लगी 3 बार में हो जाए रुआ के 381। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आ जाओ ये शेष बच गया हमारा 0। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आ जाओ, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हो गया हमारा क्यू, और ये हमारा आर हो गया। तो बता दो जरा ए का मान कितना है, 381 जो यहाँ से आता है, बी का मान क्या है हमारा 127 है, और क्यू का मान हमने 3 बार में लगाया है 3 हो जाएगा, आर का मान आ गया 0। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अब जो है ना शेषफल 0 है, और जब शेषफल 0 होता है तो उस स्टेप में जो हमारा भाजक होता है जो कि 127 है वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या चीज, 1651 और 2032 का महत्तम समापवर्तक कितना है जी, बता दो जरा कितना है, 127 है। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। चलो जी चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया है, 10th के एग्जाम में 272 और 1000, अच्छा तीसरा नंबर हो गया ना, हाँ चलो चौथा नंबर, 272 और 1032 का हमको SCF निकाला है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमारे पास क्वेश्चन है 272 और 1032, 272 और 1032 ये क्वेश्चन है। तो करना क्या हमको, देखो सबसे पहले तो पता लगाना है बड़ा कौन छोटा कौन, तो बड़ा 1032 है, तो 1032 में अपने को किससे भाग देना है, 272 से, तो आ जाओ दे दो भाग, 1032 में अपने को डिवाइड करना है किससे, 272 से अपने को डिवाइड करना है। बता दो कितना बार में लग जाएगा, ये लग जाएगा 3 बार में, देखो लगा के 3 बार में ही लगेगा, 3 × 6 = 7 × 14 = 1 × 6 = 7, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 9 में से 7 घटाएंगे, अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, 3 × 6 = 7 देखो यहाँ से 7 × 21 का 1 हासिल 2, 3 × 6 = 8, अब ये हुआ ना, 12 में से 6 हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो ये हमारा बच रहा है 216। तो हमने क्या कहा है कि ये हमारा A, ये हमारा B, ये Q और ये R, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या पता है हमको जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और देन होता है 0 > r < b, ये होता है। तो अगर इस पर देखो सारा कुछ जैसे का तैसा है, अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, आ जाओ ए का मान है 1032 बराबर बी का मान है 272, क्यू का मान है, गुना है तो गुना कर लो 3, और आर का मान है 216। हमने क्या कहा, यहाँ पर अभी शेष बच रहा है, हमने क्या कहा, जो शेष बच रहा है ना उसको बना लो भाजक, और जो भाजक है ना उसको बना दो भाज्य, कितना बार में लग जाएगा जरा बता दो, कितना बार में लगेगा जरा बता दो, एक ही बार में लगना है इसको, 216 12 में से 6 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में से घटाएंगे 5 हो जाएगा, ठीक है जी, 6 में से घटाएंगे 5 और ये ख़त्म हो जाएगा। अभी भी हमारा शेष नहीं बच रहा है,
तो इसका मतलब पहले तो लिख लेंगे इसको, ये ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा और ये आर हो जाएगा। तो लिखो सेकेंड स्टेप यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो लिखेंगे जी यहाँ से 272 बराबर लिख सकते हैं 216 गुने ए का प्लस में 56, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, जो लास्ट स्टेप में अब शेष बच रहा है ना उसको भाजक बना लो, और जो भाजक है उसको भाज्य बना लो, 216 कर दो। कितना बार में लगा सकते हो यहाँ पर? तीन बार में लगेगा, क्योंकि चार बार में तो लगेगा नहीं, तीन बार ही लगेगा। तो 36 का 18 का 8 हासिल 1, 5 15 16 का 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 16 में से 8 घटाएंगे 8, ये बच के हमारा 10 में से 6 घटाएंगे 4 और ये ख़त्म हो जाएगा। अभी भी देखो 48 आ रहा है, शेष अभी भी बच रहा है। तो फिर से लिखेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर 216, बी बराबर है 56, लगाया कितने हमने, तीन बार, तो क्यू बराबर 3 प्लस आर बराबर 48। ठीक है जी, ये हमारा आ रहा है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखो अब शेष बच रहा है 48, तो 48 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और इसी स्टेप में बात करेंगे हमारा भाजक क्या था, 56, तो 56 को हम लोग भाज्य बना देते हैं, एक बार में भाग लगा लेंगे, 48 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, ये कट गया हमारा। अभी हमारा ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब इसको जो है हम यहाँ पर यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस स्टेप को। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 56 है, बराबर बी का मान कितना है, देखो 48 है, क्यू का मान कितना है, 1 है, और आर का मान कितना है, 8 है। अभी भी शेष 8 बच रहा है, इसका मतलब अब ये 8 जो है वो भाजक बन जाएगा, और यहाँ पर भाजक क्या था, 48 हमारा भाज्य बन जाएगा, 8 × 48। अब यहाँ पर शेष 0 आ रहा है, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप के लिए देखेंगे, हमारे पास ए का मान है 48, बी का मान है 8, क्यू का मान है 6 और प्लस आर का मान है 0। तो इस वाले स्टेप में आकर के ना हमको शेष जो है 0 आ रहा है, और जिस स्टेप में शेष 0 आता है उसका भाजक ही महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होता है। तो यहाँ से हमारा HCF कितना हो जाएगा, लिखो ऊपर से 272 और 1032 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, बता दो ज़रा, 8। अब तो समझ में आ गया, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो निश्चित तौर पर अब तो थोड़ा सा दिमाग पक्का तुम्हारा हो गया होगा, हो गया कि नहीं हो गया ज़रा बता दो हमको, हो ही गया होगा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देख रहे, आ जाओ। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है 196 और 3822। देखो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है हमको, लेकिन ये जो क्वेश्चन किए हैं इससे इजी वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से हमारा इजी है। क्यों इजी है, तुम बात करते हैं, देखो यहाँ समझ में आ जाएगा। तो बताओ 196 और 3822 में बड़ा कौन, 196 बड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बड़ा है हमारा कौन सा, 3822। अब 3822 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ, कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3822 में जो है, 3822 में अपने को भाग देना है 196 से। कितना बार में लगाओगे, 196 12 में से 6 6, ये बच गया हमारा 7, 17 में से 9 8, और यहाँ से 2 में से घटा लो 2 2 2 में से 186, अब ये आ जाएगा हमारा 2। कितना बार में लगा लेंगे बता दो ज़रा, 9 बार में, तो यहाँ से कितना होगा, 9 × 54 का 4 हासिल 5, 9 × 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 × 1 9 और 8 17 का 7 1764 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और ये 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और ये तो ख़त्म हो गया, मतलब शेष हमारा 98 बच रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये बी का, ये सी क्यू का, ये और आर का ये,
अब यहाँ से देखो, यहाँ यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से लिखते हैं, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं जी, a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये होता है हमारा यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, वही वाला भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यही होता है, कुछ दूसरा चीज़ नहीं होता है। इससे पहले शुरू में बताए हैं ना, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो क्या होगा, ए का मान 3822 है, बी का मान 196 है, क्यू का मान 19 आ गया, देखो क्यू का मान 19 आ गया, सही से लिख लेते हैं, क्यू का मान 19 आ गया, आर का मान 98 आ गया, कितना आ गया 98 आ गया। शेष अभी भी बच रहा है, मतलब जो शेष बच रहा है ना उसको हम लोग क्या बनाना है, भाजक बनाना है, और जो भाजक था उसको भाज्य बना देना है 196। दो बार में कर दो जी, 196 हो जाएगा और यहाँ पर शेष पल 0 आ जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ये तो पता ही है। फिर से हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, तो हमारा अब जो है भाज्य जो है वो है 196, यानी ए का वैल्यू 196, देन हमारे पास बी का वैल्यू है 98, क्यू का वैल्यू है 2 और आर का वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं शेष हमारा रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट स्टेप में जो भाजक था 98, ये हमारा महत्तम समावर्तक हो गया, किसका, ऊपर वाले का, ऊपर वाले मतलब उस ऊपर वाले का नहीं, यहाँ पर 196 और 3822 का, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं 196 और 3822 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना 98, ठीक है जी, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को देखा, 5 क्वेश्चन और करेंगे लेकिन अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।